न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रेमिका के फोन पर बिजी रहने की आदत से था परेशान प्रेमी ने गला दबाकर की हत्या। 26/11 की 10वीं बरसी सीएम केजरीवाल ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा देश हमेशा आपका ऋणी रहेगा। आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर, प्रत्याशी डोर टू डोर करेंगे प्रचार। अब खबरें विस्तार से। कुछ दिन पहले बलौदा बाजार में संदिग्ध हालत में मिली युवती की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के प्रेमी ने मामूली विवाद पर प्रेमिका का गला दबाकर हत्या कर दी थी। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की आज 10वीं बरसी है। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इतने साल बीत जाने के बाद आज भी लोगों के जहन में हमले के जख्म ताजा है। मध्य प्रदेश में तमाम चुनावी जनसभाएं और प्रचार प्रसार का शोरगुल आज 5 बजे के बाद थम जाएगा, तो इसके बाद अब प्रत्याशी घर घर जाकर जनता से वोट की अपील करेंगे। प्रदेश में 28 नवंबर को सभी उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। यहां एक ही चरण में चुनाव संपन्न होगी। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।